वेलकम स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शुभ तो के हाल चाल है आई होप बढ़िया है मस्त बिंदास है तो जैसा कि आपको पता है कि एयर फोर्स ने थोड़ी सी एक नई चाल चली और उसमें काफी सारे बच्चे जो है फिर से फंस गए मतलब क्या था कि एयर फोर्स ने आप लोगों को पता है कि अभी से कुछ दिन पहले अपनी डेट को एक्सटेंड कर दिया ठीक है एयर फोर्स की जो फॉर्म फिलअप करने की डेट थी वो कम थी इन्होंने क्या किया इन्होंने कहा यार फॉर्म बहुत कम फिल हुए रीजन क्या था बच्चा इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है ठीक है अग्निवीर कि जो पॉलिसीज हैं, उसके बाद जो ये फीस जो इंक्रीज हुआ है उसके कारण जो एयरफोर्स में, तो में और कम होते चले जिस हिसाब से अगर ये चीजें अगर नहीं बदली तो अब बात आती थी कि इन्होंने क्या किया इन्होंने कहा यार चलो ठीक है फॉर्म अभी कम फिल हुए डेट एक्सटेंड कर देते हैं ठीक है जब डेट एक्सटेंड की तो थोड़ी बहुत रफ्तार पकड़ी फॉर्म ने और फाइनली इतने फॉर्म भर गए हैं कि जितने में आपकी कट ऑफ बीस पच्चीस वाली नहीं आ सकती ठीक है आप लोग जो ऐसे वीडियोस देख रहे हो कि बहुत कम जाएगी जाएगी ऐसा होगा भैया की लंका लग जाएगी इस बार ठीक है अगर आप सोच रहे तो हो बंदा बीस पच्चीस हम करे आए तो मूरख हो ठीक है तो अब बात करते हैं हम पहले स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाना चाहते हैं कि फॉर्म कितने हो गए दो लाख से ज्यादा फॉर्म हो गए और अनुमान है ढाई लाख तक ये फॉर्म पहुंचेंगे ठीक है ये फॉर्म कितने पहुंचेंगे ढाई लाख तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं कि जनवरी लास्ट तक कितने फॉर्म फिल हुए थे उसके बाद फिर कल कितनी जंप मारी है फॉर्म ने तो चलिए फिर हम देखते हैं तो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं कि यार जनवरी लास्ट तक के अगर मैं फॉर्म की बात करूं ठीक है तो जनवरी लास्ट तक के जो आपके फॉर्म्स हैं मेरे भाई वो आपके जो फिल हुए ठीक है वो फिल हुए आपके एक मिनट इसको और छोटा कर लूं लाख छत्तीस जनवरी को ये डेटा है मेरा थर्टी फर्स्ट ऑफ जनवरी इकतीस जनवरी उसके बाद क्या फिर मैंने बच्चों का और डेटा आज जैसे आप लोगों ने देखा टेलीग्राम पे मंगवाया क्योंकि एग्जैक्ट डेटा पे हम लोग बात करते हैं ठीक है तो एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो ये हुआ इकतीस जनवरी तो हमने कहा छह तारीख तक अगर लास्ट डेट है तो फॉर्म एक दो लाख शायद ही क्रॉस कर पाए लेकिन इन्होंने क्या किया इन्होंने चालाकी से डेट बढ़ा दी जब डेट बढ़ा दी तो अब हम लोग आ जाते हैं कल के डेटा पे कल सुबह तक कल सुबह तक जो फॉर्म थे ये कल दोपहर का है ये का स्टेटस जो है ये कल दोपहर का है तो दो लाख ग्यारह हजार सात सौ पचहत्तर फॉर्म भर चुके थे ठीक है दोपहर के बाद अगर मैं इवनिंग की बात करूं तो इवनिंग तक आपके जो फॉर्म पहुंच गए दो लाख पंद्रह हजार प्लस पहुंच गए मतलब अगर हम देखें दोपहर से शाम तक के गैप में हमारे पास कितने हैं पंद्रह हजार फॉर्म एक्स्ट्रा सॉरी पंद्रह करो चार हजार फॉर्म एक्स्ट्रा पहुंच गए मतलब अगर हम देखें तो ऑन एवरेज अगर इकतीस दिसंबर की हम बात करें इकतीस दिसंबर पे एक लाख छत्तीस हजार थे मतलब ऑन एवरेज पर डे जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं एट से नाइन प्लस आठ से नौ हजार आपकी जो पर डे अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो पर डे जो फॉर्म्स का डेटा पहुंच रहा है आठ से नौ हजार बंदे नए अप्लाई कर रहे हैं ठीक है अगर हम आगे की बात करें अब समझ रहा कि अभी आपके पास तारीख है आज दस फिर है ग्यारह मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर यहाँ पे दस दस हजार भी फॉर्म फिल होते हैं मैक्सिमम तो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम तीस हजार फॉर्म और फिल कर लेंगे मतलब ये जो डेटा है आपका दो लाख चालीस हजार रुपये सिमट जाएगा ठीक है चालीस से पैतालीस दो लाख चालीस हजार या दो लाख पैंतालीस हजार मतलब ये ढाई लाख का आंकड़ा पार करते करते इनकी सांस फूलने लगेगी कि ढाई लाख का आंकड़ा भी पार कर ले ये है ड्रॉबैक ऑफ अग्निवीर और इनको अब भी नहीं समझ में आ रहा तो पता नहीं कब इनको समझ में आएगा व्हाट इज द ड्रॉबैक और उसके बाद भी जबरदस्ती कहते रहते अग्निवीर बहुत अच्छी पॉलिसी है ठीक है ये देश की सेवा के साथ देश की जो सेना है ठीक है या सुरक्षा है उसके साथ कहीं ना कहीं अन्याय कर रहे हैं ये लोग लेकिन इनको समझ में कहाँ आ रहा है क्योंकि हम लोगों को देश की सेना नहीं दिखती है हम लोग देश की और चीजें दिखती हैं ठीक है थीके? हम लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी दिखती हैं जो कि दिखनी नहीं चाहिए लेकिन वो हम लोग देख रहे हैं ठीक है हम लोगों को जो मेन है भाई जब अगर सेना ही नहीं बचेगी तो हम क्या करेंगे ठीक है जब हमारे पास फाइटर ही नहीं आएंगे तो फाइट कहां से होगी पिक्चरें बनाने से थोड़ा फाइटर आ जाएंगे एयरफोर्स आवाज उठानी पड़ेगी तब जाके कुछ ना कुछ हो पाएगा ठीक है और बच्चे कहते सर आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हो बेटा हम लोग कुछ नहीं आवाज उठाने वाले मेन आवाज उठती है बच्चों से ठीक है हम लोग क्या हम लोग उठाएंगे तो हम लोगों के पास सीधे सीधे एक नोटिस आता है कि आप क्यों बच्चों को भड़का रहे हो तो हम नहीं कर सकते ये लड़ाई आपकी है लड़ना आपको पड़े ठीक है तो इसलिए आप लोग जो कहते हो कि सर आप लोग कुछ नहीं कहते बस बस अपना बैच बेच दो बेटा हम मजबूर हैं ठीक है हम लोग इस चीज में आगे तब आ सकते हैं जब बच्चा आगे जाता है ठीक है भाई मेन क्या है मेन तो बच्चा है हमसे तो ये बोल दिया जाएगा तुम कौन तुम पढ़ा रहे हो मतलब तुम बिजनेस कर रहे हो ठीक है तो हमसे सीधे से यही बोला जाएगा कि आप बच्चे से बिजनेस कर रहे हैं तो बच्चे को भड़का रहे हैं ठीक है लेकिन स्टूडेंट्स कहता है पहले टीचर आगे बढ़ेगा तब हम बढ़ेंगे ये गलत है ठीक है ये आपकी फाइट है आपको करना पड़ेगा क्योंकि आज सिर्फ ढाई लाख कहा दस लाख से सात आठ लाख से हम लोग कहां पहुंच गए ढाई लाख जो कि इनको भी पता चल रहा है अंदर जो इंटरनल एजेंसीज है उनको नहीं मालूम चल रहा उनको भी मालूम चल रहा है कि फॉर्म कम है क्यों डेट बढ़ाई वैसे एयरफोर्स का भी डेट बढ़ाता था कभी नहीं बढ़ाता था इस बार एयरफोर्स ने डेट इंक्रीज की पिछली बार भी इंक्रीज की थी लेकिन इससे पहले अग्निवीर से पहले कभी बढ़ती थी कभी नहीं बढ़ती थी अग्निवीर से पहले तो ये सोचते थे कब हम फॉर्म एग्जिट कर दें कब हम फॉर्म फिलअप करना बंद कर दें तो अंदर जो चीज़ें हैं वो कुछ और ही बयां कर रही हैं जब बच्चे ढाई लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं इनमें से तो कई बच्चे ऐसे जो वाई ग्रुप के हैं अगर टेक्निकल ट्रेस के निकाल दें तो भाई साहब एक लाख फॉर्म भी नहीं बन पाएगा ठीक है अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक्स ग्रुप का निकाल दें तो मतलब कंपटीशन छोड़ो कंपटीशन एक अलग है बच्चे ही नहीं जा रहे हैं ठीक है बच्चे इंटरेस्टिंग सिर्फ वही जा रहे हैं जिनको लग रहा है हार कुछ नहीं है चलो चार साल के लिए हम लोग चलते हैं हाँ ऐसे बच्चे जिनको लग रहा है हम परमानेंट हो जाएंगे उनके अंदर जिनके अंदर जज्बा है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैक्सिमम बच्चा मूव ऑन नहीं हो रहा है ठीक है वो कह रहा है मैं आईसीजी कर लूंगा परमानेंट है कम से कम उसमें चला जाऊंगा मैं एन कर लूंगा परमानेंट है उसमें चला जाऊंगा ठीक है बाकी कैटेगरीज में चला जाऊंगा लेकिन यहाँ चार साल के लिए सर हम तो चले जाएँ लेकिन पड़ोस वाले नहीं जाने ठीक है तो ये जो फॉर्म है तो दो लाख पैतालीस हजार है तो ये कम नहीं है मेरा मेन मकसद था वापस आना ठीक है ये फॉर्म क्या है ये फॉर्म आपके कम नहीं है दो लाख पैंतालीस हजार डेटा अच्छा खासा डेटा हो गया है ढाई लाख बच्चों के बीच में आपका कंपटीशन है यानी कि ढाई लाख बच्चों के बीच में कंपटीशन है और अगर मैं बात करता हूं अगर हम वैकेंसी चार हजार भी निकालते चलते हैं और हम कहते हैं दो लाख अगर हम चौवालीस हजार भी बोलते हैं ठीक है या दो लाख चौवालीस हजार भी फॉर्म भरे तो अगर आप डिवाइड कर दें तो मैं एक चीज बोलूंगा इनमें से आधे फॉर्म अगर फर्जी निकाल दो तो हम कहते हैं एक लाख फॉर्म बचे एक लाख बटे ठीक है अच्छे यानी जो बच्चों में कंपटीशन है वो अच्छा खासा कंपटीशन है एक लाख बटे अगर हम चार कर दें तो आपके पास आ जाएगा पच्चीस हजार ठीक है चार हजार कर दो सॉरी एक दो तीन एक दो तीन चार से काटो ठीक है तो 25 बच्चों में एक बच्चा सिलेक्शन ले लेगा मतलब कंपटीशन उतना हाई नहीं है 25 में एक का सिलेक्शन हो रहा है ठीक है अगर हम देखें तो 25 बच्चों में एक बच्चा सिलेक्शन ले रहा है यानी कि ऑफ रेशियो आपका ठीक है जो रेशियो पहुंच रहा वो ठीक ठाक है पच्चीस में एक का सिलेक्शन है ठीक यानी कि अगर मैं बात करूं तो सिलेक्शन रेशियो बहुत अच्छा जा रहा है तो आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं जो ऐसे बच्चे और एक चीज मैं फिर कह रहा हूं दिस इज द एक्सपेरिमेंट आप खुद देख रहे हैं कि कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं लेकिन आगे चल के इनको डिसीजन बदलना पड़ेगा ये भी याद रखना ठीक है अगर यही सीन रहा तो अगली बार और कम होंगे और कम होंगे तो डिसीजन चेंज होना ही होना क्योंकि अंदर उनको भी सता रहा है यार यार फॉर्म कम हो रहे हैं ठीक है वो भी देख रहे हैं कि फॉर्म कम हो रहे हैं तो वो भी आगे चल के इनको इंक्रीज करेंगे और एक चीज याद रखना आप लोग जो कह रहे हो ना कि सर ऐसा नहीं होगा आपने देखा कि एस एस अभी बीच में तीन से चार साल गायब हो गया था रीजन क्या है जब इनको लगता है यार ठीक है कैपेसिटी ठीक है तब तक छोड़ो और जैसे ही फिर क्या होता कमी होती है एकदम से वैकेंसीज बराबर निकाल देते हैं तो सेम सिचुएशन गवर्नमेंट की हर स्कीम में होती है ठीक है कि जैसे वैकेंसीज धीरे धीरे आ रही तो एकदम से लास्ट में कुछ ना कुछ उसमें चेंजमेंट करके बड़ी सी वैकेंसी कर देते हैं तो ये आपके साथ होगा तो आप लोग ये ना सोचो कि नहीं यार आ, हम तैयारी नहीं कर रहे हैं आप तैयारी करो सिलेक्शन हो जाए तो अच्छा है ना हो जाए तो बहुत ही अच्छा है जैसा आपको सही लगे ठीक 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 है 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 लेकिन ये मत सोचना कि यार ये गलत है, बहुत कुछ ठीक ठीक? कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है ठीक है घर में खाली बैठने से अच्छा है आप तैयारी करो फॉर्म भरो और उसके बाद एग्जाम देके आओ तो भाई कट ऑफ की बात करते हैं फाइनली अब तो कट ऑफ कितनी जाएगी मैं फिर बोल रहा हूँ थर्टी प्लस का टारगेट लेके चलना तीस से कम का टारगेट मत लेके चलना थर्टी प्लस टारगेट आप अपना बनाओ ठीक है तीस का अगर टारगेट बना रहा हो तो मैं फिर कह रहा हूँ बहुत बड़े मुँह रखो, जो तीस का टारगेट बनाओगे तो दसों नहीं आएंगे ठीक है अगर आप 30 प्लस बना रहा हो तो थोड़े बहुत आएंगे ठीक और जो अगर आपको सिलेक्शन टारगेट बनाना है तो मेरे भाई जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था सिलेक्शन टारगेट आप फोर्टी नंबर से लेके चलते हैं जब चालीस का लेके चलेंगे तो आठ दस क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं ठीक है तो आपका जो टारगेट है ये ना सोचे चलो जैसे मैं देखता हूं कि भैया जी इतना पढ़ लो सिलेक्शन पक्का नहीं भैया ये हरकतें मत करना कि मात्र सौ क्वेश्चन पढ़ लो सिलेक्शन तुम्हारा 365 दिन से घास छील रहे हैं का बच्चा उनका नहीं हो पाता है तो मात्र सौ क्वेश्चन पढ़ने से सिलेक्शन ले लोगे का कभी नहीं ले पाओगे इस चीज को याद रखना ठीक है तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से तैयारी करो और ये तैयारी करते रहो अभी एज है आप इसकी तैयारी करो ठीक है जब एज ओवर हो मैं खुद बोलता हूँ जब आप ट्वेंटी के हो जाओ तो आप स्विच कर लो ट्वेंटी के बाद फॉर्म भरने की, की नीड नहीं है अभी जब तक ये चीज चेंजमेंट नहीं होती मैं इसलिए बोल रहा हूँ जैसे सपोज आप साढ़े सत्रह के हो साढ़े सत्रह के अगर तुमने फॉर्म भर दिया तो चार साल भी आप गए जब तक तुम्हारी एज अच्छी खासी होती है तब तक तुम बाहर आ सकते हो 21-22 साल में किसी भी वैकेंसी का अपर वैकेंसी का अपर लेवल की वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हो क्योंकि आप मैच्योर हो चुके होंगे आपके पास इकोनॉमिकली कंडीशन बहुत अच्छी होगी ठीक है तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम